बन गया है घर का खाना, आप भी बनाएं। और इसलिए कभी खाते खाते मन करता है कि कुछ चटनी होती, अचार होती तो कुछ बात कुछ और ही होती। चलिए अचार तो नहीं, आज चटनी ही बनाते हैं। आज ये मेरे साथ बहुत ही सिंपल रेसिपी होने वाली है। हम यूज़ करेंगे 3 चम्मच ग्रेटेड मूली के, ये टेबल स्पून यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड दिस इज रेडिश। साथ में हम यूज़ करेंगे फ्रेश योगर्ट, इसके भी 3 चम्मच टेबलस्पून। देखिए ऑलरेडी चटनी कितनी प्यारी बन रही है। इसमें डालते हैं धनिया के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स, साथ में हम डालेंगे 2 फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज। देखिए बात कितनी अच्छी बनती जा रही है। साथ में लेमन जूस, जो हाफ लेमन का जूस है, और आखिरी में सॉल्ट टू टेस्ट, ये करीब 1/4 टीस्पून सॉल्ट मैं डाल रहा हूँ। याद रखिए नमक के साथ साथ मूली पानी छोड़ देती है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। कितना खूबसूरत ये लग रहा है दोस्तों, चटनी बन के तैयार हो गई है। इसको आप अपने किसी भी मील्स के साथ एंजॉय कीजिए। बन गया है घर का खाना, आप भी बनाएं और इस लजीज मूली की चटनी के साथ खाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पेरीज डायरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।